हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों के दुआ के साथ हम सब भी ठीक है। तो अभी नाया और आयान ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो दोनों खा रहे हैं पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो आज है ट्यूसडे और आज मैं करने वाला हूँ बाइसेप्स का वर्कआउट सेशन। तो अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ अपने आप को ताकि पंप अप मिल सके और फिर हम अच्छे से बाइसेप्स का वर्कआउट स्टार्ट कर सकें। तो आज जिम थोड़ा खाली है, लोग कम आए। यूजली ट्यूसडे को थोड़ा सा क्राउड कम रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, नहीं तो सब लोग एक ही साथ एक ही तरह का वर्कआउट करना करते हैं। तो आज थोड़ा सा टाइम मिलेगा मुझे वर्कआउट करने का कि कोई नहीं है, और देखते हैं हम क्या क्या बाद में करने वाले हैं इस वर्कआउट सेशन में। तो फ़िलहाल मेरा जो वर्कआउट सेशन है वो स्टार्ट होगा इस वार्म अप के बाद में। तो ये एक मेरा दोस्त है जो अभी जस्ट पास होके गया है, जिसको पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए तो उसने कुछ कहा नहीं बस। तो वार्म अप चल रहा है अभी फ़िलहाल, जो मैं थोड़ी देर करता हूँ ताकि थोड़ा सा बॉडी को पंप मिले और इस तरह थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ, ताकि अगर आप जब भी वेट उठाएंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद साइकिलिंग भी वार्म अप में आती है, तो थोड़ा सी साइकिलिंग भी कर रहा हूँ ताकि जो मेरे लेग्स हैं वो वेट उठाएं, या फिर अगर मैं कुछ यू नो सिट आउट्स करता हूँ या स्क्वाट्स मारता हूँ तो उस टाइम मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए अब मैं साइकिलिंग भी कर रहा हूँ, जो मेरे वार्म अप सेशन का एक पार्ट है। तो साइकिलिंग आप कर सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, डिपेंड्स ऑन हाउ आपको अपना वर्कआउट प्लान करना है। और वार्म अप में आप साइकिलिंग रखते हैं तो इट्स बेटर फॉर योर कार्डियो, तो आप साइकिलिंग थोड़ी देर कर सकते हैं। उसके बाद में मेरा जो ये नया सेशन स्टार्ट किया मैंने पंचिंग बैग का, तो इससे एक बॉडी को पंप मिलता है, तो आप इसको भी अपने वर्कआउट प्लान में ऐड कर सकते हैं। और अब है डंबल्स की बारी, तो डंबल से मैं थोड़े से हैमर कर्ल्स करूँगा, तो आप इस हैमर कर्ल्स से बाइसेप्स के लिए अच्छा शेप दे सकते हैं। बहुत लोग हैमर कर्ल्स नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है बाइसेप्स वर्कआउट के लिए, तो आप इसको अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। अब जो है वो हम लोग करने वाले हैं केबल बाइसेप्स वर्कआउट, जिसमें भी आपको बहुत पंप मिलता है, तो ये आप ज़्यादा वेट में भी कर सकते हैं, कम वेट में भी कर सकते हैं। अब उसको करने के बाद मैं दोबारा से हैमर कल करने वाला हूँ, जो मेरा फेवरेट है बाइसेप्स में। तो ये मैंने काफ़ी, इससे कम से कम आप 3-3 के 2 सेट लगा सकते हैं, और जितना भी है वेट, ये 15 किलो का वेट है जो मैंने उठाया है फ़िलहाल, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर ये मेरा दूसरा सेट स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैं दोबारा से हैमर कर्ल्स कर रहा हूँ। तो आप हैमर कर्ल्स फिर केबल एक्सटेंशन के साथ में भी आप अपना बाइसेप प्लान कर सकते हैं। बहुत लोग रॉड भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग डंबल और कुछ लोग केबल से भी करते हैं, तो आप प्लान करके अपना बाइसेप वर्कआउट कर सकते हैं। तीनों ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं आपको। अब मैं आपको कर्ल रॉड में बताऊंगा, इससे आपको एक शेप मिलेगी आपकी बाइसेप्स को, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट इसके भी 3 सेट आप कर सकते हैं। तो यही था मेरा वर्कआउट प्लान आज का। भी बज रहे हैं 2:25 हो गया है और पूरा अंधेरा सा छा गया है क्योंकि बारिश आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है। लाइट ऑफ कर दो आयन एक बार, फिर दिखाएंगे तो बरस लेगा। देखिए कितना अंधेरा हो गया, रूम बेडरूम को देखिए, एकदम अंधेरा हो गया है पूरा बेडरूम। तो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर एकदम।
तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। अभी तक नहीं आए हैं।